हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, एकदम से जबरदस्त और मस्त होंगे। स्वागत है सभी लोग का मेरे एक न्यू ब्लॉग में। जो ब्लॉग आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये है फूड ब्लॉग, फूड चैलेंज है। हम ले चलेंगे आपको रेस्टोरेंट में और दिखाएंगे कि हमें क्या, आज हम क्या खाएंगे और कितना प्राइस का जो हमें बिल आने वाला है वो कितने का आने वाला है। ले चलेंगे, तब तक हम आज हमने बहुत दिनों के बाद ना एक प्लानिंग करी। प्लानिंग क्या करें, हमने कहा हम काफी वीडियो आपके साथ शेयर कर चुके हैं और काफी वीडियो हम आपके साथ ला चुके हैं जिसमें हमने बहुत सारा ढेर सारा प्यार और सपोर्ट करा भाई को, और हमने सोचा कि आज क्यों ना हम आज फूड ब्लॉग आपके साथ शेयर करें। और कौन सा रेस्टोरेंट आने वाला है, सबसे पहले हम तो आपको रेस्टोरेंट दिखाने वाले हैं। ये रेस्टोरेंट कौन सा है, वेट करो दिखाते हैं आपको रेस्टोरेंट। और रेस्टोरेंट है ये पिज्जा डीडी डीडीएस पिज्जा पॉप, यह है पिज्जा रेस्टोरेंट। और यहां हम जाने वाले हैं खाना खाने के लिए। सबसे बड़ी बात, अब जो ब्लॉग मैंने आपको बताया था, आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि फूड ब्लॉग है ये है, हमने रिजर्वेशन करके। यहाँ रिजर्वेशन करने से एक सबसे बड़ी बात, अच्छी बात है ना, वो आपको मैं अभी बताऊंगा रिजर्वेशन के क्या फायदे हैं। कोरिया में आप कहीं बुक कराते हो तो बुक कराने के एक फायदे हैं, और हमने ऑर्डर करने वाले हैं। सबसे पहले हम ऑर्डरिंग करेंगे, बाद में बताते रहते हैं। ऑर्डरिंग भी यहाँ सेल पे है, देखो आप क्या है क्या लेना है। मोहितो, हम मोहितो, और हम सबसे पहले ऑर्डरिंग करनी है। अब मैंने बताया ना ऑर्डरिंग क्या है, यहाँ सेल पे है। सबसे बड़ी बात है आपको कोई आएगा नहीं, आपको दिखाना है। आप फॉरेनर हो आप ऑर्डर भी ले सकते हो, आप यहाँ रहते हो आपको समझ में आ जाएगा, बट आप फॉरेनर हो आप टूरिस्ट आते हो आप ऑर्डर, आपके लिए ऑर्डर लेने भी आते हैं। ये सबसे बड़े है कि किसी को ना आए समझ में कैसे ऑर्डर दे क्या कर रहे हैं वो परेशान नहीं, ये घबराने वाली बात नहीं है। इसके लिए वो ऑर्डर लेने खुद आते हैं, आपको समझाते हैं आपने क्या खाना है क्या करना, वो ऑर्डर खुद लेंगे। लेकिन यहाँ जिन लोगों को समझ में आता है उनके लिए ये सुविधा अवेलेबल है, और जो बाहर से उनके 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 समझ में ज्यादा उनके लिए भी अवेलेबल है। चलो ऑर्डर लिंक पहले हम ऑर्डर कर लेते हैं। समझ गए होंगे कि जो बाहर से लोग आते हैं वो भी ऑर्डर लेने आते हैं, और जो आते हैं उनके लिए इजीली है हम पहले ऑर्डर करें। ऑर्डर करा हमने, क्या क्या लेने वाले हैं, पिज्जा और यहाँ कौन है लामियन जो सबसे फेमस है, वो तो हर रेस्टोरेंट मिलता ही मिलता है और टेस्ट है, वो हम करेंगे करेंगे ऑर्डर। मोई तो ड्रिंक चाहिए चाहिए, खाने के साथ एक ड्रिंक बनती है वो भी हम ड्रिंक ऑर्डर करने वाले हैं। बिल बन गया 1,00,000 का, देखो अभी हमने ऑर्डर कर लिया 13,000, 15,000, 12,000, 7,000, ये बन गया हमारे 1,09,000 कोरियन वॉन, इंडियन नहीं सॉरी। अब हमें ऑर्डर हो गया डन, हमने ऑर्डर दे दिया, अब ऑर्डर आने वाला है, ऑर्डर आने वाला है। ऑर्डर पर हमने आपको दिखा दिया कि हमने क्या क्या ऑर्डर करा था, कितने प्राइस का ऑर्डर मिलने वाला और कैसे हमने ऑर्डर करा। सबसे बड़ी बात है हमने क्या ऑर्डर करा, कैसे ऑर्डर करा, कितने प्राइस में ऑर्डर करा, ये सबसे बड़ी बात अच्छी बात थी जो हमने आपको एक एक करके बारीक समझाया कि ऐसे ऑर्डर देते हैं और कोरिया में ऑर्डर हमने क्या किया और कितने प्राइस में। ज्यादा खाने से प्राइस भी इंपोर्टेंट है, क्योंकि पॉकेट अपना देखना पड़ता है कि हमारे पॉकेट में कितनी पैसे हैं, उसीलिए तो ये आएगा ड्रिंक। सबसे पहले मोहितो, हम ड्रिंक आया, ड्रिंक तो बनती है, सबसे पहले तो ड्रिंक आता है, हमने ड्रिंक किया। स्टोवी थोड़ी अंदर ना डिजाइन टेढ़ा वाला करके रखा है, क्योंकि लोगों को आजकल ना फैशन में लोग खाने खाने कम और फैशन देखने ज्यादा जाते, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए ज्यादा जाते, इसलिए आजकल थोड़ा सा खाना भी सबकी तरह देना पड़ता है, क्योंकि वो देंगे नहीं तो कस्टमर कैसे खींचे आएंगे। सबसे बड़ी बात है हम ये है एक गेस्ट को लुभाने वाली बात कि गेस्ट खींचे चले आए। अब थोड़ा सा हम ये देखो पी लेते हैं डंडा भी, देखो थोड़े सा हम लोग ने बाहर कम जाते हैं खाना खाने, सब हम मैं चाहता हूँ खाना खाने केवल ब्लॉग बनाने के लिए, वैसे मैं बाहर का खाना कम पसंद करता हूं, बट जब से आप लोगों को प्यार और सपोर्ट मिला और आप लोगों के साथ जुड़ने का एक मौका मिला, तब से बाहर खाने का हमें भी मौका मिला। कहते ना सपोर्ट प्यार ऐसी चीज है आदमी को कनेक्टिविटी कर देता है, जब प्यार ऐसी चीज है ना वो कनेक्टिविटी कर देता है, इसलिए आपका प्यार है जो मुझे बाहर खींचे ले आता है। ये आया कोरियन लामियन, जो यहाँ की सबसे फेमस लामियन है, इसमें है राइस केक और यहाँ लामियन, राइस केक लामियन और राइस केक है और फिश केक, फिश केक है, ये सबसे कोरियन लामियन है, ये लोग काफी पसंद करते हैं, लामियन काफी पसंद करता है और बहुत ही फेमस है कोरिया के अंदर में, आपको स्ट्रीट रेस्टोरेंट होटल सब। ये देखो मैंने क्या कहा था, आप जब रिजर्वेशन करते हो ना बुक करते हो कोरिया के अंदर एक सर्विस दिया जाता है वो है सैलेड, देखो कितने अच्छा सैलेड डेकोरेट करके दिया है बड़ा सा प्लेट, ये है सर्विस फ्री। यह आया हमारा पिज्जा, पिज्जा भी खाएंगे, पिज्जा हमने पहले ऑर्डर कर रखा था, मैंने आपको बताया ना पिज्जा ऑर्डर किया था, लामियन ऑर्डर करा था, सॉस भी है, यह है पिज्जा। हम चारों का ग्रुप है, चार लोग आए खाना खाने,
टेस्ट करने, लेकिन दोनों को मैंने साइड में कर रखा है क्योंकि उन्हें थोड़ा सा ऑब्जेक्शन हो रहा था। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, आपको पसंद नहीं है तो हम खुद बनाते हैं, तो इसलिए हम जो हमने ऑर्डर करा अब हम खा लेते हैं आराम से, आप देखते रहो एंजॉय करें, ये पिज्जा खाइए आप भी लीजिए पिज्जा और लामेन जैसे मैंने आपको बताया था। और सैलेड जो मैं आपको बता रहा हूँ, सैलेड सैलेड यहाँ सर्विस है फ्री क्योंकि हमने बुक करा था, ये एक कोरिया के अंदर एक सबसे अच्छी बात है, जब आप सर्विस बुक करते हो कोई ना कोई कुछ देता ही है आपको, कुछ सर्विस आपको देगा क्योंकि ये सबसे बिजनेस करने का तरीका है, सबसे बढ़िया ना इनका एक बिजनेस करने का तरीका है कि गेस्ट को कैसे अपनी तरफ खींचना है। सबसे बढ़िया हर फील्ड में कुछ तरीका होता है, जैसे रेस्टोरेंट फूड, हम फूड की बात करें, फूड में एक अपना एक तरीका कि वो अपने गेस्ट को कैसे खींचता है, कुछ ना कुछ दे देते हैं कि वहां गेस्ट खींचा चलाता है। ये सब ये है चिकन, फ्राइड चिकन, ये फ्राइड चिकन है क्यों? उसके साथ साथ हमने फ्राइड चिकन का ऑर्डर भी करा था, हमने कहा चलो थोड़ी वीडियो में दिक्कत आ रही है, ये चिकन हो गया, पास्ता हो गया, लामियन हो गया, वो हमने आपको दिखाया, ये चिकन है क्योंकि थोड़ा सा जगह कम है, लोग ज्यादा हैं, थोड़ा सा उन्होंने कहा चलो आपको लिए साइड में रख देता हूं, और थोड़ी हाथ पहुंचने का दिक्कत हो रही थी और मुझे वीडियो बनाने में भी दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने मेरे साइड में चिकन रख दी। लामियन के बारे में आपको बता चुका हूं और पिज्जा के बारे में बता चुका हूं, सैलेड और ड्रिंक के बारे में पहले मैं आपको बारीकी से समझा चुका हूं। चिकन जो है फ्राइड है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है, और सबसे बड़ी बात है कोरिया में ये चिकन भी सब जगह फ्राइड मिलेगा। बहुत से लोग पहले केएफसी मैकडोनल्ड में जाना पसंद करते थे, लेकिन अब हर रेस्टोरेंट में यहाँ कोरियन फ्राइड चिकन मिलता है, कोई ब्रेड क्राम लगा के बेचता है, कोई वैसे ही बेचता है, लेकिन हर जगह आपको ज्यादा से ज्यादा फ्राइड चिकन मिलेगा। चिकन जो है देखो हम इंडियन है ना, हाथ से जब तक खाते ना तब तक मजा नहीं आता भैया, सब किसी को बुरा लगे अच्छा लगे ये अपना एक तरीका है, हम जब तक खाते हैं खाने की कोशिश करते हैं, भूख से भी खाते हैं, पर लेकिन जब हम हाथ नहीं लगाते ना तब तो वो कहते ना मजा नहीं आता है, टेस्ट है हाथ में पर कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जब बाहर आते हैं ना थोड़ा सा कोशिश करते हैं, ये नहीं कि ये पर कि हम कहते हैं हम फोक से खाएंगे नाइफ से खाएंगे चॉपस्टिक सब चीज से यूज करते हैं, मैं सब चीज होगा, बट क्या है ना सबसे बड़ी बात है जब तक हम हाथ से नहीं खाते ना तब तो मजा ही नहीं आता है, फिर मैं ये लो यहां थोड़ा सा करना पड़ता है, जब आप कहते हैं ना सबके साथ जाते हो थोड़ा सा तो आप उनमें ढलना पड़ता है, समाज के हिसाब से आपको ढलना पड़ता है और समाज के हिसाब से आपको रहना पड़ता है, वो अच्छी बात है करना भी चाहिए और वो आज के समय सबसे बेस्ट है, लेकिन हम लोग क्या है इंडियन है, जब तो हाथ से नहीं खाएगा ना वो मजा ही नहीं आता है, कि हमारे हाथों में ही आता है टेस्ट, तो हमारे हाथों के खाने में ही आ जाता है, सबसे बड़ी बात है कि हम हाथों का खाना पसंद करते हैं और जब तभी हमारा पेट भरता है जब हम हाथ से खाना खाते हैं, चलो हाँ से मजाक तो होती रहती है, कहीं भी मिस्टेक हो जाए उसे समा चाहते हैं और उसे आपसे बहुत बहुत माफी मांगते हैं, क्योंकि हो जाती गलती होती है, कभी कुछ चीज हमसे नहीं हो पाती है, कोई चीज आपको पसंद नहीं आती होगी तो आप कमेंट करके मुझे बताते, हम आइए है ना उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंप्रूव करना हर इंसान का फर्ज है, कर्तव्य, वो करता भी है, इंप्रूव करता है, जो इंप्रूव करता है वही आगे बढ़ता है, सबसे बेस्ट बात है हम भी इंप्रूव करेंगे, क्योंकि आपका प्यार आपका सपोर्ट जो है ना सबसे बड़ी चीज हमें मिलता है और हम इंप्रूव जरूर करेंगे, क्योंकि आप लोग प्यार और सपोर्ट जो मेरे को इतना करते हो, क्योंकि काफी मैं वीडियो डाल चुका हूं, लेकिन आप लोग को कमेंट और प्यार और इसके उसी से मेरा चैनल है आपका प्यार आपका सपोर्ट है, तो इसलिए कभी मिस्टेक होती है आप कमेंट करके बेसिक बता दें, और आपको कोरिया की कौन सी वीडियो देखनी है वो मुझे बताएं, मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर जरूर करूंगा। चिकन जैसे कि मैंने आपको बताया था चिकन के बारे में, बहुत ही टेस्टी है अच्छा है, और चिकन यहाँ फिर मैं बता रहा हूँ आपको ये फ्राइड चिकन भी आपको, जैसे लामियन के बारे में बताया था मैंने कि आपको हर स्ट्रीट रेस्टोरेंट होटल में आपको कोरियन लामियन जरूर मिलेगी, वैसे फ्राइड चिकन का आपको हर जगह फ्राइड चिकन मिलेगा, क्योंकि आज के दिन बहुत पॉपुलर हो चुका है चिकन, और ये कुछ अपनी कुछ चीज लोकल चीज ना काफी फेमस करते हैं यहाँ के कोरिया की, एक अच्छी बात है ये अपनी लोकल चीजें बहुत ध्यान देते हैं और लोकल चीज को आगे ही इंप्रूव करते हैं, वो ड्रिंक हो या फूड हो कुछ भी हो, और जो अपनी चीजें हैं ना ये काफी आगे उस पर सपोर्ट करते हैं और उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, और इनका दिमाग में भी कुछ है ना कि हम अपनी चीजें ही खरीदें, ये इनके दिमाग में बहुत एक चीज है कोरियन की, ये बहुत बेस्ट है, ये अपनी चीज को ज्यादा प्रमोट करते हैं, खाते देखो हर चीज जब मार्केट में आएगी तो हर चीज की तरफ आदमी जाता जाता है, बट ये अपनी चीज के लिए ज्यादा जाते हैं खाने, ये फिर पिज्जा आया एक पिज्जा और मंगा क्योंकि पब्लिक ज्यादा है तो एक पिज्जा और मंगा बड़ा सा, एक पिज्जा पहले मंगा लिया डन हो गया, फिर एक पिज्जा फिर मंगा दिया, कहते चलो कम पड़ गया तो हमने फिर मंगा लिया पिज्जा, दो पिज्जा आ गए भाई चार हैं
पिज्जा आ गया, लामियान आ गया, और सैलड तो फ्री है ही, ड्रिंक आ गया, फ्राइड चिकन आ गया, इतना आ गया भाई खाने के लिए। और चाह रहे हैं क्योंकि जब बाहर आए ना तो खाना तो बनता भी है, टेस्ट तभी तो मिलेगा जब हम फूड के बारे में जाने, जब हम खाएंगे नहीं हमें फूड के बारे में कैसे पता लगेगा। शॉपिंग भाई, तब हम यहाँ पे आए हैं खाने के लिए, तो खाना तो तभी जब हम चीज़ें और लेंगे तब तो हमें पता लगेगा इस पिज्जा में क्या टेस्ट है, उस पिज्जा में क्या टेस्ट है, और चिकन में कैसा टेस्ट है, लामियान में कैसा है, ड्रिंक कैसा है, ये सबसे बढ़िया। तो हमने फिर पिज्जा किया ऑर्डर, पिज्जा भी आ गया था, मजा आ गया। टिशू तो भर भर के मिलता है, टिशू की यहाँ कोई टेंशन नहीं है, अब कितना भी यूज करो टिशू और वाटर, ड्राई और वेट सब यहाँ हो गया है, क्योंकि हाथ हाथ होता है खाने में लग जाता है, तो टिश्यू विश्यू यहाँ बराबर मिलते हैं, सबसे बड़ी बात है उसकी कोई गम नहीं है। ये आया, फिर एक और फिर आया भाई, यह है इसीलिए हमने ना भर के खाना मंगाया था कि हम जम के खाएंगे, हर चीज़ का टेस्ट लेंगे, हर टेस्ट। ये देखो एक और मंगा, थोड़ा सा ना मेरा पेट ना भर गया, थोड़ी मैं कम खाता हूँ, पर क्या करें, अब जब फूड रिव्यू के लिए आ रखे हैं, फूड ब्लॉगिंग के लिए आ रहे हैं, तो खाना तो बनता है, तो खाना पड़ेगा कि थोड़ा बहुत जितना टेस्ट तो करना ही पड़ेगा, टेस्ट हम करेंगे। बट बहुत ओवर हो गया था, बहुत ओवर हो, क्योंकि हमने ज़्यादा खाना मंगा दिया, हमने सोचा कि चलो सभी खा लेंगे, बाहर आ रखे हैं तो ज़्यादा खा लेंगे, पर हमने ओवर खाना मंगा दिया था, समझते हो, ओवर खाना मंगाया। तो चलो अब आए हैं तो खाना तो बनता ही है, खाएंगे। और पिज्जा, दो दो पिज्जा, चिकन फ्राइड मस्त, ये भी अभी दिखाऊंगा मैं। मैंने पहले आपको पिज्जा की ना फूडिंग दिखाई थी, थोड़ी देर में आपको पिज्जा की दिखाऊंगा, वो मैं ऐड करना थोड़े मिस्टेक है, ये देखो चीज, फिर उसके बाद पिज्जा, ये देखो दो बार मैंने जब बोला था ना पिज्जा मंगा था, ये देखो इसमें इन्हें प्राउन डाल रखे हैं फिस, क्योंकि मैं जो है ना थोड़ा सा सिंपल पिज़्ज़ा खाता हूँ, देख फ्राउन है, और ये अपना चॉइस से पिज़्ज़ा लेते हैं, पर वो मेरे हिसाब से हो तो मेरे हिसाब से ही खाते हैं, और हम ऑर्डर करते हैं चिकन डाल देना, फिश डाल देना, कुछ और चीज़ें मत डाल दें जो मैं पसंद नहीं करता हूँ, तो इसलिए खाते समय पहले ऑर्डरिंग देते समय पहले जब ऑर्डर लेते हैं तो मैं पहले ही वहाँ बता देता हूँ कि हमें पिज़्ज़ा चाहिए, तो उसमें यही ऐड करना है, ये बात है। ये पिज़्ज़ा है बड़ा सा, जो जो मंगाया मैंने कहा एक बार पूरी तरह दिखा देता हूँ, और पूरा तरह दिखाने के बाद ना सब वो आपको देखने में लगा, हाँ ये पिज्ज़ा है, ये लामियान दोस्तों है, वो आपने उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी नई वीडियो के लिए प्लीज़ भाई को सपोर्ट करना ना भूले, क्योंकि भाई देखो भाई कितनी मस्त वीडियो लेगी आपको, मुझे लगता है आपने बहुत इन्जॉय करा होगा, बहुत मज़ा आपको। फिर मिलेंगे एक वीडियो में, तब तक के टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।